देश में इस वक्त कोरोना वायरस का महासंकट जारी है। इस महामारी का सबसे अधिक असर महाराष्ट्र में दिख रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र पर एक और आफत आ गई है, चक्रवात निसर्ग। जी हां, चक्रवात निसर्ग कल मुंबई से टकरा सकता है। इससे पहले यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई और आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और NDRF की टीम को तटीय इलाकों पर तैनात कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल मछुआरों को लगातार चक्रवात की चेतावनी दे रहे हैं। कमाल भारतीय तटरक्षक कादून सूचित करत ये ताहे समुद्रा वादल ये नाची सक्या ताहे तारी सरवारी किनार्यावार परचिवाड़ा मछिवाहण तमे भारतीय तटरक्षक बतावे चाहे दरिया में तूफान आए चाहे तुम्हें किनारा पंत आवी जाओ। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और राज्य की तैयारियों का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं कल यानी 3 जून को हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। गौरतलब है कि हर साल मानसून के वक्त में मुंबई में पानी भरने की काफी समस्या पैदा होती है और पूरा मुंबई एक तरह से पानी में डूब सा जाता है। ऐसे में इस बार कोरोना संकट और ऊपर से पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।